तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज आ गई है एक ऐसी गाड़ी के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसको कंपनी ने पुरानी बोतल को नया लेवल लगा दिया, जो कि एकदम अलग टाइप की ऑडियंस को टारगेट करती है, यानी कि लोंडे लफाड़ों को टारगेट करती है गाड़ी। मतलब इस गाड़ी की टारगेटेड ऑडियंस कोई फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, एक अलग ही किस्म के एंथुजियास्ट हम कह सकते हैं कि जिनको गाड़ियां चलाने का शौक है, भगा के चलाते हैं, एंथुजियास्ट कस्टमर जो है उन लोगों को कंपनी ने इस गाड़ी के थ्रू जो है टारगेट करा है। दोस्तों हम यहां पे बात कर रहे हैं टाटा की अपकमिंग अल्ट्रॉस रेसर के बारे में। ओए होए होए भाई साहब, चुम्बेश्वर लुक बना दिया, ऐसी गाड़ी की लुक बनाने लग गए हैं यार टाटा वाले की, भाई मजा ही आ गया है। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है ना दक्षिण की गाड़ियों में दोस्तों, चाहे इन्होंने नेक्सॉन लॉन्च की यार, लुक सी पलट के रख दी गाड़ी की, कर्व आने वाली है, लाजवाब कूपे डिजाइन। बिल्कुल, अल्ट्रोस ऑलरेडी जो है एक सुंदर गाड़ी लगा करती थी, हाँ एक सब्जेक्टिव चॉइस थी कि किसी को अच्छी लग रही थी, किसी को एलियन टाइप लग रही थी गाड़ी, लेकिन ओवरऑल सेफ गाड़ी थी और है, 5 स्टार, बिल्कुल 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। उसके अंदर अब ले आए दोस्तों टाटा वाले एक स्पोर्टियर वर्जन। स्पोर्टियर वर्जन क्या बोले दोस्तों, ये मॉडल तो इनका, ये इंजन तो ऑलरेडी इनका टर्बो वेरिएंट के अंदर आता ही था, समझ लो कि एक मॉडिफाइड। बिल्कुल, जो काम आप करोलबाग से कराते थे वो काम टाटा ने अब खुद करके दे दिया। असलियत ये है, गाड़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, उसकी छत और बोनट जो काला करके स्ट्राइप डाले हुए। मतलब दोस्तों आप ये मानो, जब आप कंपनी से कोई गाड़ी लेते हो तो कंपनी वाले आपको एसेसरीज ऑफर करते हैं, एंड हम आपको कहते हैं कि यार कंपनी से एसेसरीज मतलब महंगी पड़ती है। टाटा ने क्या करा, एसेसरीज खुद फिट करके खुद ही एक मॉडल बना के भेज दिया, जिसका नाम उन्होंने अल्ट्रॉस रेसर रखा है, वही नेक्सॉन वाला इसमें इंजन देखा। थोड़ा से ट्यूनिंग का फर्क है, जैसा कि बोल रहे हैं 118 की जगह शायद 120 BHP आ जाएगा, 19-20 का फर्क है, वो भी ऑन पेपर फर्क है, बाकी चलाएंगे गाड़ी आपको बताएंगे। कह रही है टाटा की डायनामिक्स का बहुत फर्क है, स्टीयरिंग का फीडबैक अलग है, शॉकर जो है वो, सस्पेंशन जो है वो स्टिफ कर दिए गए हैं गाड़ी के, बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। कार एंथुजियास्ट बंदे को कहते हैं मजा आ जाएगा भाई साहब, तो समझ लो कि मुझे अभी से गुदगुदी होने लग गई है मुझे और दक्ष को, कि ये गाड़ी बस हाथ खाने की दे रहा है, इसका लट्टू ना बना दिया तब बोलना, आप देख लेंगे भाई पूरा निचोड़ देंगे नींबू की तरह कि गाड़ी लक कैसी रही है। ये जो गाड़ी है ये स्ट्रेट कॉम्पिटिशन देती है हुंडई की N-लाइन को, i20 N-लाइन को नक टू नक कॉम्पिटिशन है। देखो पोलो जाने के बाद N-लाइन सबसे बढ़िया हॉट हैचबैक है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और लाजवाब चलने में, मतलब पोलो के बाद नेक्स्ट चॉइस जो है गाड़ी N-लाइन बन जाती है। हुंडई की एक लौती गाड़ी ऐसी है वो जिसका स्टीयरिंग फीडबैक सबसे ज्यादा बढ़िया है, पूरे हुंडई इंडिया में जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो गाड़ी सबसे बढ़िया है ड्राइविंग के हिसाब से। दूसरा उसके अंदर जो 1 लीटर इंजन है वो इंटरनेशनल एक्लेम्ड इंजन है, बाहर की कंट्रीज में भी आता है, बहुत बढ़िया तरीके से अप्रूव्ड इंजन है, साथ में DCT गियरबॉक्स आता है जो हाईवे पे अच्छा खासा परफॉर्म करता है। मतलब जो इनके DCT गियरबॉक्स वेन्यू 1 लीटर में आ रहे हैं, सोनेट में आ रहे हैं, उनसे कई ज्यादा बेटर ये 1 लीटर इंजन DCT के साथ N-लाइन में परफॉर्म करता है। और इसके अंदर आएगा दोस्तों रेसर के अंदर मैनुअल वर्जन भी और DCA भी डालेंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी DCA तो पहले ही दे रहे हैं ये DCA। हाँ, अब देखना ये है कि दोस्तों ये चलने में कैसी है। देखो लुक्स में तो गाड़ी अप्रूव है, जिसको बंदे को N-लाइन और उसमें कंफ्यूजन थी, यहाँ एक हॉट हैचबैक चाहिए थी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए थी गाड़ी, ये वो ऑडियंस को टारगेट कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या टाटा का ये डिसीजन रेसर निकालने का सही था, मेरे से पूछेगा तो कतई सही नहीं है ये डिसीजन। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अल्ट्रॉस पहले ही टाटा की एक फ्लॉप गाड़ी हम कह सकते हैं, बिल्कुल टोटल लीस्ट सेलिंग आ रहा है, फ्लॉप नहीं है लेकिन लीस्ट सेलिंग में है अल्ट्रॉस जो है, क्योंकि उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर नेक्सॉन भी आ जाती है जो बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है, पंच अब लोगों की पहली प्रेफरेंस बन गई है। बिल्कुल, तो भैया पंच के अंदर देना था ना। सबसे बड़ी गलती जो टाटा ने करी, जो उनकी गाड़ी पहले ही नहीं बिकरी, उसमें जो है टर्बो इंजन डाल के नेक्सॉन अल्ट्रॉस रेसर बना दिया, इनको पंच के अंदर टर्बो डालना चाहिए था, जो गाड़ी अंडर पावर है जो सबसे ज्यादा बिकती है उसको नाम देना चाहिए था पंच रेसर। बात तो सही है, बिल्कुल पंच के अंदर रेसर आनी चाहिए थी, जो अल्ट्रॉस के अंदर रेसर डाल दिया। सबसे बड़ी टाटा की गलती ही यहाँ पर हुई है भैया, जो गाड़ी 18-19 हजार गाड़ी बिक रही है, जिसके अंदर लस्सी किस्म का इंजन डला हुआ, सोचो उसके अंदर अगर टर्बो इंजन एक आ जाए तो क्या दोस्तों आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे उस गाड़ी को।
एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है पंच, उसके अंदर ऐसा एक इंजन चाहिए था जो सफिशियंट पावरफुल हो, यानी कि नेक्सॉन वाला इंजन पंच में चाहिए था। इन्होंने अल्ट्रोज में ऑलरेडी आ रहा था, उसको भैया लीपा पोती करके सही बात है इन्होंने निकाल दिया। तो भैया मुझे तो कोई बोता सिर्फ चलाने का क्रेज हो रहा है एक बारी की कैसी है चलाने में, लेकिन मैं श्योर हूँ भैया ये गाड़ी कामयाब नहीं होने वाली है। क्योंकि आप ये देखो i20 नॉर्मल वाली जो है, एनलाइन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वाली जो है वो नहीं बिकती, बिकॉज लोगों को 8 लाख रुपए की i20 महंगी लगती है। तो 12 लाख रुपए 11 लाख रुपए की कैसे कोई एक हैचबैक अल्ट्रोस खरीद लेगा, जबकि लोगों को दिखेगा कि इतने में नेक्सॉन आती है 6 गियर वाली। आपका क्या विचार है जरा कमेंट करके बताओ कि भैया क्या आप वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या इसकी लुक्स पे ही पसंद आई हुई है बस आपको, आप अपनी फैमिली को कितना कन्विंस कर पा रहे हो इस गाड़ी के लिए, और क्या क्रेज है आपको गाड़ी का जरा कमेंट करके बता देना दोस्तों। क्योंकि टाटा ने अपनी तरफ से बहुत जतन कर लिया, पहले इन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाई गाड़ी, हर जगह पे पहले इसकी पब्लिसिटी कर ली, कब से हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया 3XO के तूफान में ना सब कुछ उड़ गया। अब थोड़ा थोड़ा सा तूफान ठंडा होना शुरू हुआ 3XO का, तो अब रेसर लेके आ गए हैं ये महीने बाद जो है 7 जून को ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, यानी कि कल। बिल्कुल, गाड़ी इन पर्सन देखते ही आपको पूरी रिपोर्ट कार्ड बताई जाएगी। देखो अल्ट्रोस गाड़ी वैसे तो अच्छी ही है, सेफ भी है, बिल्ट लाइक अ टैंक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेफ्टी है उस गाड़ी के अंदर। और देखते हैं भाई चेंजेस क्या किए हैं, क्योंकि हमने इनकी टर्बो पहले भी चलाई हुई अल्ट्रोस की, अब देखना ये है कि भैया स्पोर्टियर वर्जन क्या है, ये क्या इसमें अलग टाटा ने जो है झोल मिलाया है, भैया झोल मिलाया है या लस्सी घोल दी है ये तो पता चलेगा कि। लेकिन एक आम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो दोस्तों, तो जितने की अल्ट्रोस रेसर आएगी उतने की आपको नेक्सॉन आ जाएगी 6 गियर वाली सेम इंजन के साथ, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा ऊंची गाड़ी, ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भैया मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई च्वाइस नजर नहीं आ रही है कि इस गाड़ी की तरफ जाया जाए, टाटा के पास खुद के पास इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बोला नेक्सॉन, कोई क्यों लेगा ये गाड़ी रेसर जो, जबकि उनको दिख रहा है कि नेक्सॉन आ जाएगी इतने में। भाई भाई ने जो बात बोली है ना कि ये इंजन पंच में चाहिए था, पंच के अंदर एक स्पोर्टियर वर्जन चाहिए था, जो सोच ही नहीं रहे हैं फेसलिफ्ट कब आएगा, भाई अभी तक कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो भाई क्या तेरी क्या राय है रेसर के बारे में, पहले तो लुक्स कैसी है दोस्तों? इंटीरियर जैसी लुक्स रेसर की है वैसी तो आप अल्ट्रोस का बेस मॉडल लेके बाहर से भी मॉडिफाई करा सकते हो सेम टेपे टू पे लगा के। अगर हम ओवरऑल बात करें कैसा पैकेज है 11-12 लाख रुपए में, इंजन की बात करें i20 N-Line से अगर हम कंपेयर करें कि N-Line लेनी चाहिए, उसके आगे स्टैंड आउट पहले भी नहीं करती है चलने में यार, सिर्फ सेफ्टी में स्टैंड आउट करती है। अगर हम चलने की बात करें तो ऑब्वियसली N-Line का कंपैरिजन नहीं है अल्ट्रोस से, चाहे इसमें ये कोई भी इंजन डाल दे, अकेले इंजन की बात नहीं है, जो हुंडई के डायनामिक्स है, जो रिफाइनमेंट है, हालांकि 1 लीटर इंजन है वो 3 सिलेंडर, लेकिन उसकी पावर, उसकी हैंडलिंग, उसके ओवरऑल एस्थेटिक्स जो है, मॉडर्न जो गाड़ी लगती है वो काफी ज्यादा बेटर मुझे पर्सनली लगती है अल्ट्रोस रेसर के कंपैरिजन में। बिल्कुल भैया, हॉट हैचबैक तो एक ही थी पूरे इंडिया के अंदर, वो थी पोलो जीटी। बिल्कुल, जीटी की जब सीटी बजती है ना भाई साहब, उसका कोई जवाब ही नहीं था गाड़ी का, लेकिन अब च्वाइस ही नहीं है, फॉक्सवैगन ने वो गाड़ी बंद कर दी, ना उसकी लाने की कोई उम्मीद है। तो भैया हिंदुस्तानी कंपनी से ही उम्मीद है कि देखने को मिलने वाला भैया की स्वाद कैसा है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन एक बात है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है और वो होती है सेफ्टी, जो कि है गाड़ी में, बिकॉज जब गाड़ी भागती है तो भैया ऐसी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी कभी ठुक भी सकती है, सेफ्टी भी गाड़ी में होनी चाहिए। एंड अगर मैं N-Line की बात करूं तो वो इतनी सेफ नहीं है गाड़ी, N-Line की सेफ्टी कुछ है ही नहीं सेफ्टी के नाम पे उस गाड़ी पे, कुछ भी नहीं है। 3 स्टार सेफ्टी है, और जितनी उड़ती है गाड़ी वो भैया समझो कि नंगे पैर भाग रहे हो आप N-Line में, कभी भी कंकड़ कोई भी पैर में घुस सकता है। तो भाई अब चॉइस करें क्या हमारे भाई, N-Line की तरफ जाएं या रेसर की तरफ जाएं? देखो अगर तो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेनी है तो N-Line ओवरऑल चलने में ओवरऑल ज्यादा बेटर है, हालांकि सेफ्टी उसकी बेटर है, लेकिन चलने की अगर आप बात करो कि भैया मुझे चला के ना मजा आना चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया स्टीयरिंग फीडबैक है भाई उसका, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो वो जो खुशी है, वो जो चलाने का मजा है, वो आपको N-Line में मिलेगा, हुंडई में मिलेगा। और अगर आपको लगता है भैया चला रहा हूँ और कहीं ठुक ठुकाना जाए गाड़ी, तो बस सिर्फ एक ही बेनिफिट है, रेसर 5 स्टार रेटेड गाड़ी है इनकी अल्ट्रोस जो है। बिल्कुल सेफ्टी में उस गाड़ी में कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से भैया जिस गाड़ी का डायनामिक्स अच्छे है ना, वो एक्सीडेंट होने से पहले ही कंट्रोल में आ जाती है, वो i20 वो i20 N-Line के डायनामिक्स, उसकी ब्रेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बिकॉज टाटा इज नोन फॉर देयर सेफ्टी नॉट फॉर देयर परफॉर्मेंस। ये टाटा की कप ऑफ टी है ही नहीं परफॉर्मेंस, बिल्कुल परफॉर्मेंस देना नहीं है भैया,
इनकी नजर जो है हमारी इनकी कर्व पे है, क्योंकि उसकी लुक्स ही ऐसी हैं गाड़ी की। बाकी आप बताओ यार, आप कितनी का वेट कर रहे हो रेसर की, जरा कमेंट करके बताओ and आपकी अगर, क्या राय है। एंड अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो क्या आप एनलाइन लेना पसंद करोगे या आप रेसर लेना पसंद करोगे, तो कमेंट करके जरा बताओ आपकी क्या राय होगी। अगर आप एज अ कस्टमर 11-12 लाख में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक खोज रहे होगे, कौन सी गाड़ी लोगे, या फिर आप इसी बजट में एक बड़ी एसयूवी गाड़ी लोगे। और भाई फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ये हमारा नंबर आ रहा कि कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें। रेसर के ड्राइव रिव्यू आएंगे जरा पूरे तरीके से, हाईवे पे उसका डड्डू बना के पूरा देखेंगे, फिर आपको पूरी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। पहले तो गाड़ी देखते ही आपको बताएंगे कि क्या, ये तो एक ओपिनियन है यार गाड़ी की ना, मतलब ऐसी कोई मुझे हाइप सी नजर नहीं आ रही है जो है। क्या लग रहा दक्ष तुझे, जो कोई हाइप, मतलब लोगों को इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसका रीजन है कि इस सेगमेंट के कस्टमर है ही नहीं खरीदने वाले, लोगों को नहीं चाहिए 12 लाख रुपए की हैचबैक, उनको नहीं लेनी, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए। लोग तो 6 लाख रुपए में भी बड़ी गाड़ी चाहते हैं कि हमें पंच लेनी है, हमें मैग्नेट लेनी है, बड़ी दिखने वाली गाड़ी। लेकिन भाई लौंडा आपका जवान हुआ है, 18 साल का हुआ है, खून में बहुत गर्मी है, गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, तो आप ऐसी गाड़ी लेके दे सकते हो रेसर जैसी गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी एन लाइन से बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। दक्ष गाड़ी जो है आपको चिंता नहीं रहेगी कि लड़का गाड़ी लेके गया हुआ भाई ठोक देगा गाड़ी को, यहाँ अगले को गाड़ी में कुछ हो जाएगा। भाई सब इस मामले में टाटा की इस बात की तो गारंटी है कि टाटा की गाड़ी से बंदा जिंदा निकलता है, चाहे गाड़ी पलट जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक वीडियो दोस्तों आपने देखी होगी, वायरल हुई थी कि हैरियर खड़ी हुई थी लैंडस्लाइड में, इतना बड़ा पत्थर गिर गया हैरियर के ऊपर, पूरी गाड़ी पे चक गई, उसके बाद भी अंदर के सारे पैसेंजर सेफ बाहर आए थे। बिल्कुल, एक हमने भी वीडियो शेयर किया था नेक्सॉन का, जिसके अंदर गाड़ी सड़क पे पलट गई थी और बंदा जिंदा निकल आया 2-4 चोटों के साथ जो है हाईवे के ऊपर। अगर आपको पर्सनली लेनी होगी तो आप कौन सी गाड़ी लोगे? भैया मैं तो पुरानी पोलो जीटी ले लूंगा मैं नहीं लूंगा ना एनलाइन ना रेसर क्योंकि परफॉर्मेंस मतलब VW। बिल्कुल, सेफ्टी के साथ टाटा वाली मतलब टाटा वाली सेफ्टी, एनलाइन से जब बेटर परफॉर्मेंस यानी कि पोलो जीटी। बिल्कुल भाई साहब, मैं पुरानी ले लूंगा, मैं नहीं लूंगा इन दोनों में से कोई भी गाड़ी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई। भाई तू तो बता दे, आप लोगे तो घर पे तो एक ही घर पर आ रही है, तो मैं भी चला लूंगा वो तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि भाई मैं कौन सी गाड़ी लूं, मैं रेसर लूं, मैं ये लूं, मैं नेक्सॉन लूं, ब्रेजा लूं, क्रेटा लूं, सेल्टॉस लूं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना रहा है, फोन पे बात कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम ऐसा कॉल पे जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं। एंड अगर किसी गाड़ी के डिसीजन में कंफ्यूज हो रहे हो तो PDI भी करवा सकते हो, PDI की भी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है, ऑल ओवर इंडिया से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फटाफट से। तो पहले व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो एंड भाइयों के 1 लाख सब्सक्राइबर्स फटाफट पूरे करवाओ दोस्तों, बहुत ही करीब, बहुत ही नजदीक आ चुके हैं हम 1 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन से, तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब करो। थैंक यू यार इतना ट्रस्ट करने के लिए, इस चैनल को यहाँ तक लेके आने के लिए। भाई साहब स्वाद ही आ गया यार, एक जो ये फैमिली आप लोगों ने क्रिएट की है, वीडियो बनाने का भी मजा आता है यार, आप लोगों से अपने दिल की बात करने का मजा आता है, गाड़ियों का भूत निकाल के आपको दिखाने का बड़ा ही स्वाद आता है। दोस्तों पूरा निचोड़ के रख देंगे रेसर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहां बोलोगे उस टर्न के अंदर वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच।